दोस्तों 20,000 रुपए के अंदर लैपटॉप ढूंढना मतलब चावल के अंदर से सुई निकालने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। लिटरली इंडिया में अभी 20,000 रुपए के अंदर एक अच्छा लैपटॉप नहीं है और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आ चुका है प्राइम बुक। और ये वाली बुक दोस्तों आपने शार्क टैंक सीजन 2 में देखा होगा। एक्चुअल में भाई बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ ये वाला प्रोडक्ट। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इसका रिव्यू देते हैं क्योंकि इसको हम लोग 7 दिन से टेस्ट कर रहे हैं। और कंपैरिजन के लिए हमारे पास ये जियो बुक भी है दोस्तों। जियो बुक की वीडियो हम लोगों ने बना रखी है, उसको आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। शार्क टैंक एपिसोड में इनके फाउंडर से पूछा गया था कि जियो बुक को कैसे कम्पीट करोगे। इन्होंने बोला कि देख लेंगे भाई। हमने बोला कि हम भी देख लेते हैं। फिर अनबॉक्सिंग करते हैं प्राइम बुक 4G लैपटॉप फॉर लर्निंग मेड इन इंडिया बोला गया है इसको। सबसे पहले आपको यहाँ पे लैपटॉप रखा मिल जाएगा जहाँ प्राइम बुक का लोगो है। इसको भी साइड में रखते हैं। कुछ पेपर डॉक्यूमेंट्स, कॉशंस। और भाई ये बोर्ड का बेस हेड 104 यहाँ क्या कर रहा है? अमन गुप्ता जी और पीयूष बंसल ने इसमें 25 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं। अब चश्मा तो डाल नहीं सकते भाई लैपटॉप के साथ, क्या पता वो भी डाल सकते हैं ना, वो तो ब्लू आई वाला। 400 रुपए के एयरफोन है ये और 400 रुपए के एयरफोन आपको ऑलमोस्ट फ्री मिल रहे हैं। फिटिंग विटिंग सही है भाई, क्वालिटी देखते हैं एक बार। सही है भाई, क्वालिटी अच्छी आ रही है और बेस तो भर भर के इसमें। और यहाँ पे एक और बॉक्स है जिसके अंदर आपको अडैप्टर मिल जाएगा। अडैप्टर की क्वालिटी थोड़ी सी एवरेज लगी मुझे, ये 24 वोल्ट का है, होपफुली खराब ना हो भाई लॉन्ग टर्म में। अदरवाइज अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस और कंटेंट काफी सारे मिल रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में। देखो दोस्तों, आप जब भी इसको छुओगे ना आपको एक रबराइज वाला फील आने वाला है और ये एक प्रीमियम फील डेफिनेटली देता है क्योंकि भाई जियो बुक में काफी हद तक सेम फील है लेकिन जियो बुक थोड़ा ज्यादा रबराइज फील देता है। प्राइम बुक आपको थोड़ा सा बड़ा दिखता है, वेट के मामले में दोनों ही काफी हल्के हैं। 1008 ग्राम आ रहा है प्राइम बुक और जियो बुक 1019 ग्राम। तो भाई हल्का सा यहाँ पे फ्लेक्स तो आता है, इतना चल जाएगा क्योंकि इसके जो प्राइसिंग है 17,000 रुपए और 17,000 रुपए में आपको 4+64GB का वेरिएंट है। सिंगल वेरिएंट आपको यहाँ पे एक ये वाला ब्लैक कलर है और दूसरा कलर है ब्लू जो शायद जियो बुक की तरह दिख सकता है मेरे हिसाब से। और अगर आप इसको ऐसे ट्राई करोगे ओपन करने का एक उंगली से तो नहीं हो पाएगा, ये आपको दोनों उंगली करनी पड़ेगी। काफी हद तक मैकबुक के कीबोर्ड के मुझे याद आ रही है इसको देख के, पता नहीं क्यों। और इसका हिंज पे देखो एक बार, जब आप इसको ओपन करोगे लैपटॉप आपको हल्का सा ऊपर की तरफ उठ जाता है और मैक्सिमम ये इतना ही खुल पाता है, इससे ज्यादा ऊपर नहीं खुल पाएगा। ये प्रॉपर पोजीशन है, आराम से इसके ऊपर आप यूज कर सकते हो। प्रेस एंड होल्ड किया मैंने, यहाँ पे ऑन का इंडिकेशन लाइट आ चुका है। प्राइम बुक पावर्ड बाय प्राइम OS। इसको अगर जियो बुक के सामने रखते हैं तो डेफिनेटली प्राइम बुक बहुत अच्छा लगता है देखने में। इवन कि इसके जो कीज है ना आपको थोड़े से बड़े मिलते हैं तो इसे कीबोर्ड पर आपको जो हैंड ट्रैवल होता है ना वो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा इन कंपैरिजन टू जियो बुक जो कि काफी सस्ता लगता है देखने में। इंप्रेशन वाइज पूरा साइड तक यूज कर लिया तो डेफिनेटली बहुत अच्छी डिजाइनिंग में कहूंगा। ऑन होती है आपको फील हो जाएगा कि ये पूरा एंड्रॉइड का एक टैबलेट वाला फील देता है। वॉलपेपर पे प्राइम बुक का लोगो लगा रखा है, कर्सर भी आ रहा है, यहाँ पे ट्रैक पैड काफी रिस्पॉन्सिव है। इसके पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 2 USB पोर्ट मिल जाएंगे, एक 3.5mm जैक मिल जाएगा, एक स्मॉल HDMI है और यहाँ पे लिटरली आप सिम स्लॉट प्लस मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, कोई भी सिम लगा सकते हो। जियो बुक की तरह नहीं भाई कि बस जियो लगेगा और कुछ नहीं, यहाँ पे हम एयरटेल लगा के दिखाते हैं आपको। ये ऐसे और यहाँ पे सिम रीड कर चुका है। सिम को सिंक करने में ऑलमोस्ट 3-4 मिनट लगाता है ये। तो एक बार कॉल करते हैं अपने सिम को। भाई इसका आवाज बहुत तगड़ा यार, ये दोनों स्पीकर से आवाज आ रही है। हेलो भाई क्या हाल है? भाई काफी स्ट्रेंज चीज है ये, ऐसे बात करें लेकिन आराम से बात हो पा रही है। और कॉलिंग के टाइम पे आपको कुछ ऐसा सिंपल सा UI देखने को मिलेगा। कॉलिंग तो काफी तगड़ा हो रहा है इसके ऊपर। और अभी मोबाइल डेटा पे स्विच कर दिया हमने, YouTube म्यूजिक पे गाना सुनते हैं। स्पीकर इसका बहुत अच्छा है, मेरे हिसाब से जियो बुक से तो मच बेटर है। और यहाँ पे अभी हम लोगों ने यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन कर रखा है, देखने में बिल्कुल एक लैपटॉप वाला फील आ रहा है। ये वीडियो देखते हैं एक बार। YouTube एप्लीकेशन पे पॉज एंड प्ले काम कर रहा है, नेक्स्ट भी काम कर रहा है, प्रीवियस भी काम कर रहा है। देखो 10 सेकंड के पीछे हो रहा है, अगर 1-2 करता हूँ मैं, ये वाला जैसे काम नहीं कर रहा है YouTube एप्लीकेशन पे। F दबाने से फुल स्क्रीन को एग्जिट नहीं कर रहा है, एस्केप बैक दबाने से कर जाएगा। ये काम तो तगड़ा कर रहा है और स्पीकर इसका फुल वॉल्यूम तो आप आराम से इसके ऊपर पढ़ाई लिखाई कर रहे हो ना तो बहुत अच्छा स्पीकर काम करेगा इसका। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो डिब्बे के अंदर बोट के एयरफोन तो फ्री मिला ही आपको, उसको यूज कर लेना। तो अगर मैं एज ए स्टूडेंट बात करूं, इस वाले प्रोडक्ट की जो बिल्ड क्वालिटी है, डिजाइन है, डिस्प्ले है, कीबोर्ड का फील है, कीबोर्ड का रिस्पॉन्स टाइम है, ट्रैक पैड है, हर एक चीज बहुत ज्यादा रिफाइन फील होती है। मुझे डेफिनेटली नहीं लग रहा कि मैं एक स्टार्टअप का प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं, मुझे लग रहा है एक वेल स्टेबलाइज्ड ब्रांड का प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूं, इतना अच्छा बनाया इन्होंने। प्राइम बुक के लोगो पे क्लिक करके आप जा सकते हो इसके मेन्यू में, टेम्पल रन, न्यू स्टेट, नेटफ्लिक्स, आंतुतु बेंचमार्क, हर एक चीज पूरा प्रॉपर टेस्ट किया है। कैमरा भी इसका ट्राई कर लेते हैं। ऑफ कोर्स अभी लाइटिंग बहुत अच्छी है यहाँ पे, देखो अभी एक फोटो ले लेते हैं, अभी वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं।
तो दोस्तों ये वाली वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं प्राइम बुक से और डेफिनेटली आपको समझ आ चुका होगा 2 मेगापिक्सल के कैमरे के हिसाब से अच्छी क्वालिटी आ रही है भाई। स्क्रीन टोन बहुत ही अच्छा कैप्चर कर रखा है। जितने आपको बजट लैपटॉप या टैबलेट होते हैं उसके अंदर हेयर एंड देयर आपको एप्लीकेशन लैग या फिर क्रैश मिलता है। थोड़ा बहुत इसके अंदर मिला है आपको, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। 1 से 2 बार मिला है हम लोग को पूरे टेस्टिंग में, मतलब 5-6 दिन की टेस्टिंग में। बट अगर बात करते हैं इसके हार्डवेयर साइड की, तो इसके अंदर मीडियाटेक MT8788 प्रोसेसर है। इसके अंदर ये वाला प्रोसेसर बहुत अच्छा है टैबलेट्स के लिए। और अभी इसके ऊपर एक बार गेमिंग ट्राई कर लेते हैं। हम यहाँ पे एसवाल्ट नेट्रो खेल रहे हैं दोस्तों। लेफ्ट राइट क्यों दिखी नहीं रहे भाई, कैसे खेले? देखो भाई गाड़ी और आती भाई। अभी हम लोग खेल रहे हैं यहाँ पे सबवे सर्फर। डब्ल्यू से कूदेगा भाई, मस्त। ओ वाओ, हार गए, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत मस्त थी। तो लिटरली हमने इसके ऊपर आंतुतु बेंचमार्क्स टेस्ट किया और इसका स्कोर 173,223 आ रहा था। 8-9 हजार के जो फोन आते हैं आजकल उसमें सेम आंतुतु स्कोर आते हैं आपको। तो परफॉर्मेंस वाइज सच में बहुत अच्छा है। हमारी टीम में आपको विश्वजीत है जो कि एक्चुअल में पढ़ाई कर रहा है और हमारे साथ काम वाम भी कर रहा है। विश्वजीत अनअकैडमी और फिजिक्स वाला का क्लास लेता रहता है और एक्चुअल में भाई के पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी है ना। फिजिक्स वाला कैसे चला था इसके अंदर? बस पोर्ट्रेट मोड में चल रहा था, जैसे फोन में चलता है ना सीधा सीधा वैसा चल रहा था, बट कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज बढ़िया था। आप मतलब देख सकते हो कोई लैग जिटरिंग कुछ नहीं। हाँ। मैं आपके सामने फिजिक्स वाला चला के दिखाता हूँ। फुल स्क्रीन पे नेटफ्लिक्स चल रहा है, देखो आराम से। तो नेटफ्लिक्स चल रहा हो तो भाई फिजिक्स वाला चलेगा ही चले। और अगर बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में, 4000 mAh की बैटरी दी गई है। मुझे बैटरी थोड़ी सी कम लगी है इसकी, डिस्प्ले उतना ज्यादा ब्राइट नहीं है तो आपकी बैटरी बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं होगी। और डिस्प्ले भी 720p की है, वहां पर भी आपको उतना बैटरी में कंजप्शन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप गेम वेम खेलोगे तो थोड़ा सा और कम चलेगा बैटरी। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको सारे काम करने, स्टूडेंट वाले मतलब पढ़ाई लिखाई, एंटरटेनमेंट, लाइव क्लासेस, होम ट्यूशन, प्राइम बुक परफेक्टली काम करेगा। और किसी का भी कोई भी कंफ्यूजन है ना कि भाई जियो बुक के सामने कैसा है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ जियो बुक इज अ डिसअपॉइंटमेंट ऑनेस्टली। लेकिन प्राइम बुक एज अ स्टार्टर में बताऊं तो वन ऑफ द बेस्ट शार्क टैंक का प्रोडक्ट लगा मुझे आज तक का, क्योंकि मैंने शार्क टैंक के बहुत से प्रोडक्ट्स देखे, बहुत सारा ट्राई किया। प्राइम बुक इज माई फेवरेट राइट नाउ। इसका जो बेस्ट बाइंग लिंक होगा डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, भाई जाओ जाकर ट्राई करो इसको। जो बजट में आपको मिल रहा है उसमें अच्छा काम कर रहा है। और इसी नोट के साथ इस वीडियो को लेते रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।